जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, क्या नाम है आपका, शुभ नाम क्या है? अनीता प्रवीण भोपे। अभी कहाँ रहते हो आप? हम सूरत में रहते। सूरत में रहते। अच्छा, ये बताइए, आप बाबा जी से कब से जुड़े हो? हमको 24-25 साल हो गए, शांति में नामदान पापा ने लिया था। पापा को क्या कार्य था सूरत संगत में, जरा बताएं। पापा हीरा घसते थे, मतलब नौकरी का, और संगत से जुड़े हुए थे, सेवा करते थे, प्रार्थना गाते थे और भंडारा सेवा में जाते थे। अच्छा, मतलब गुरु महाराज के सेवा में कार्यरत थे। हाँ, कार्यरत। अच्छा, ऐसा कोई अनुभव है निजी जय गुरुदेव नाम से जो है गुरु महाराज तो बताते थे? तो ऐसे तो बहुत सारे अनुभव हो गए जब से छोटे से बड़े हुए हम लोग, फिर भी ये अभी का एक नया अनुभव है जो 4 साल पहले का। हाँ, तो हमारे सामने वाले घर में एक कुत्ता था लकी नाम का, तो उसको उन लोगों ने छोटे से बड़ा पाला हुआ था, बहुत प्रेम करते थे वो लोग। लेकिन एक दिन अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई, तो घर में सब रो रहे थे, शोर चल रहा था उनका। शाम को पापा जब आए, मैं और मेरे पापा हम आए, तो वो बोलने लगे कि इसको क्या करें, वो बहुत उदास हो गया, खा पी नहीं रहा और रो रहा है। तो पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, बोले तुम कुछ दवाई वगैरह कराओ। तो बोले नहीं, तुम्हारे गुरुदेव का प्रसाद दो तो वो अच्छा हो जाए। तो मम्मी और पापा गए उनके यहाँ और प्रसाद दिया और बोला कि तुम लोग है ना, खुद उसको खिलाओ और करो क्या करना है। तो उनको खिलाया और कान में जय गुरुदेव बोलो 10 बार, तो शायद कुछ बात बन जाए, तुमको अनुभव देखने मिले और तुम शाकाहारी बन जाना। तो पापा ने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा किया, तो वो 4 घंटे से मरा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ था, तो प्रसाद खाते ही जय गुरुदेव नाम बोलते ही वो उठ के खड़ा हो गया और जिस जो मालक था उसका उसको देखने लगा, गोल घूम के फिर उसके गोदी में सिर रख के सो गया। ये बहुत बड़ा अनुभव हमारे सामने हमने देखा, मालिक का बहुत बड़ा। अच्छा, मतलब मैं मरा हुआ कुत्ता जो है उसके मुंह में प्रसाद डाल दिया उसके मालिक ने जय गुरुदेव कान में बोल करके, तो वो उठ करके खड़ा हो गया, जिंदा हो गया कुत्ता। हाँ। मतलब बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कर लेना, और वो उसमें सफल हो गए। तो आपके पिताजी के समय का ये अनुभव 4 साल पहले का। हाँ। चलिए, जय गुरुदेव ना, बाबा जी ने कहा जब डॉक्टर वैद्य हाकिम कुछ भी काम ना आए तो जय गुरुदेव 10 बार बोलना और परीक्षा कर लेना, तो आपको लाभ मिलेगा, फ़ायदा पहुंचेगा। ये हकीकत आप लोगों ने आँखों से देखा। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।